देखिए सभी हल्ला मच हुआ है हिंदी सिनेमा के सबसे हिट फ्रेंचाइज यानी धूम फ्रेंचाइज का अगला सिक्वल शाहरुख खान बनाएंगे। हाँ भाई, धूम 4 में शाहरुख खान लीड एक्टर होंगे, ऐसा सोशल मीडिया पर हाइप मचा हुआ है। और धूम 4 को डायरेक्ट करेंगे तो कौन? अपने पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। तो आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत से बताता हूँ, एक्चुअली में सिद्धार्थ आनंद ने एक ट्वीट कर दिया था होली के दिन, जिसमें उन्होंने बोला है, हाँ भाई धूम 4 बन रही है शाहरुख खान के साथ, जल्दी हम शूटिंग में चालू कर देंगे और कल विलेन का भी अपडेट आ जाएगा। भाई इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हल्ला ही मच गया, अगला इंडिया में धूम मचाएंगे एसआर के, लोगों ने बड़े बड़े सपने भी देख लिए, ये किस टाइप की फिल्म होगी और सिद्धार्थ आनंद बना रहे तो पक्का बवाल ही होगा। मगर भाई उसके बाद आता है एक बड़ा वाला ट्विस्ट, जिसके बाद ही सारे फैंस के सपने चूर चूर हो गए टूट के। असल में जो सिद्धार्थ आनंद ने ट्वीट किए हैं वो फेक है, वो आईडी भी नकली है, उसको चलाने वाला भी नकली है। एक्चुअली में सिद्धार्थ आनंद कहीं सोशल मीडिया पर है ही नहीं, तो आप पूछोगे उस फेक आईडी के पास ब्लू टिक कैसे आया? तो भाई इसका जवाब आप हिलोन भैया से पूछना, उसने नया कानून बनाया है ट्विटर पर, जो पैसा देगा उसको ब्लू टिक यूं ही हाथों हाथों मिल जाएगा। और बस एक सरफिरा साहबजादा पैसा देकर सिद्धार्थ आनंद की नकली आईडी बनवाकर ब्लू टिक हासिल कर लिया है। और उसके बाद तो लगातार फेक न्यूज फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। वो आदमी एक बार तो स्प्रिट के समय मैं भी धोखा खा गया था, मुझे भी लगा इस ट्वीट को सच में सिद्धार्थ आनंद ने ट्वीट किए हैं। खैर इस चोर की चोरी पकड़ी गई है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में धूम 4 के हीरो शाहरुख खान होंगे? शायद मेरे हिसाब से वो हो भी सकते हैं, मगर सिद्धार्थ आनंद एज ए डायरेक्टर के रूप में धूम 4 में कभी नहीं जाएंगे, उनके पास 3-4 साल तक कोई समय नहीं है, फिर पठान 2 भी बनाना है उनको। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप भी सावधान रहिएगा ऐसे पेड फेक ब्लू टिक आइडियोज से। और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।